就直接往这儿走。
और आज भी उठा के इस पूरे डेटाबेस के अंदर एंट्री कौन करवाता है, डीएनएस, जिसको बोलते हैं डायनेमिक डीएनएस हम लोग, ठीक है, वो एंट्री इसकी इसके पूरे डेटाबेस में करवाता है, क्योंकि ये टास्क हम अगर मैनुअल करने लगे तो ये तो एक दफा होगा, अगर सिस्टम में करेंगे तो फिर यहाँ पर भी आना पड़ेगा। सिस्टम में जैसे आई पी पुट करते हैं, नेम उसको देते हैं, ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा एंट्री इस डेटाबेस में आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, डी डी एन एस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आमतौर पर जो एंट्रीज मैंने कहा स्टैटिक क्यों करवाई जाती है, स्टैटिक एंट्री हमें सर्वर्स को एक फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन देने के लिए, उसकी जो है रिवर्स लुकअप जोन से उसको रिवर्स बैक करवाने के लिए उस केस में हमें ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, ठीक है। अब इसका रिवर्स लुकअप जोन के लिए नहीं है, मतलब एंट्री जा तो सकती है, एंट्री वापस भी उसमें नहीं है, ठीक है। एंट्री वापस क्या किस तरह की नहीं है, अब उसको एंट्री को वापस लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये देखें अब इस रिवर्स लुकअप जोन में उल्टा आई लिखा हुआ, देख रहे हैं दोनों तरह की एंट्री एक साथ चल रही होती है। अब इसमें आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी एंट्री एड नहीं है,